देखो बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीए पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, तो आज हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर टू, हम लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर टू, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर टू, ऐसे इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो देखो क्या है तुम्हारा, रेसी प्रोकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या आता है तुम्हारा। फर्स्ट देख लो क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कॉसेक का रेंज जान लो क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वो होता है रियल नंबर माइनस वन से वन, ठीक है। इसी में दूसरा देखो, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन से वन, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं पहले इस दोनों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखो पहला प्रूफ, पहला देखो प्रूफ, हम लोग मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेट कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और बोल रहे हैं एक्स क्या है तुम्हारा, रियल नंबर माइनस वन से वन। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अच्छा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन बाय एक्स हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से कि साइन थीटा, अभी हम लोग एक्स के बारे में करते हैं कि सिंस एक्स देखो कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर माइनस वन से वन, तो दिस इंप्लाइज वन बाय एक्स देखो तो कहां से बिलोंग करेगा, तो वो रियल नंबर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस वन से वन। इसका रेसिप्रोकल ले लिए कि अगर एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर माइनस वन से वन, तो वन बाय एक्स कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, माइनस वन से वन। तो जैसे ही हम लोग इस पे, ये आ रहा है तुम्हारा माइनस वन से वन। अच्छा माइनस वन से वन किसका तुम्हारा होता है, डोमेन साइन एक्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स वन बाय एक्स जो है वो बिलोंग कर जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बात समझ में आया, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, बिलोंग कर गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो एक्चुअली इसका एकदम एक्यूरेट इसके रेंज में आ रहा है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन बाय एक्स, और क्योंकि साइन इनवर्स वन बाय एक्स इक्वल टू थीटा, और यहां से दिख गया हमको कि साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और साइन का अपने को पता है कि साइन का रेंज कहां से कहां आता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो ये सही है हमारा। अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोगों ने थीटा इक्वल टू इतना आ गया, थीटा किसको मान के रखा था हम लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स को। तो दिस इंप्लाइज कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय एक्स, और यही अपने को प्रूफ करना था कि कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय एक्स। समझ में आ गया बात। अच्छा अपोजिट इसी का और हम लोग क्या लिख सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसे हो गया। अच्छा सेम तरह से हम लोग क्या दूसरे वाले को सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय एक्स भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और देखो, ये तो था क्या तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय एक्स, और क्या अगर हम लोग ये लिख लें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स भी लिख सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू ये कहां से कहां आता है, माइनस वन से वन। सेम इसी तरह यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाय एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां ले सकते हैं हम लोग, माइनस वन से वन। आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये हम लोग क्या पढ़ लिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय एक्स होता है, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स होता है, sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स वन बाय एक्स होता है, और
कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाय एक्स होता है। ऑब्वियसली इसका जो तुम्हारा डोमेन होगा, इसका जो तुम्हारा डोमेन होगा जो कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा है ना, सेक इनवर्स एक्स में जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वो एक्स की वैल्यू होगी। तो डोमेन तो हम लोगों ने पहले पढ़ ही चुका है, ठीक है। तो चलो हम इसी में थर्ड आते हैं। देखो थर्ड क्या है, दो हो गया, एक दूसरा प्रॉपर्टी है। चलो देखो इसमें थर्ड आते हैं हम लोग। देखो थर्ड प्रॉपर्टी, इसी का थर्ड नंबर है। देखो थर्ड क्या है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाय एक्स जब एक्स जीरो से बड़ा हो और फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स जब एक्स जीरो से क्या हो, छोटा हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से कि समझना बात, प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ मान लेते हैं, लेट लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। और क्योंकि कॉट इनवर्स का जो है तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि वन बाय एक्स भी आ रहा है रियल नंबर, माइनस जीरो ले लेते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स वन बाय एक्स अगर एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो बस इसमें जीरो से छोड़कर। तो अब थोड़ा देखो समझो बात, रेसिप्रोकल की बात हो रही है। तो यहाँ पे दो केसेस आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो केस अराइज होगा, पहला केस जब एक्स जीरो से बड़ा हो, क्या है तुम्हारा, जब एक्स जीरो से बड़ा, ठीक है। अच्छा एक्स जीरो से बड़ा, तो चलो अब देखो यहाँ पर जब x 0 से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो x इक्वल टू, दिस इंप्लाइज cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू कितना हो रहा है तुम्हारा cot थीटा, x कितना हो रहा है तुम्हारा cot थीटा। अच्छा जब x 0 से बड़ा होता है तो इस बात को समझ लो, थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x ऐसे जान लो x बिलोंग्स टू इतना, थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो थीटा जो है तुम्हारा ध्यान देना, थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां, जीरो से पाई बाय टू बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों, कि कॉट इनवर्स एक्स का जो, देखो कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है जीरो से पाई, तो जीरो से पाई कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक होता है, जीरो नहीं होता है, पाई नहीं होता है। अच्छा जीरो से लेके पाई तक होता है तो इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, कहने का मतलब अगर x पॉजिटिव है तो इस घर में है और x निगेटिव है तो इस घर में है। तो क्यों, कि x पॉजिटिव है तो थीटा कहां से कहां आ जाएगा, जीरो से पाई बाय टू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, तो यहां से क्या आ रहा है, वन बाय एक्स इक्व टू cot थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा, cot थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग, tan थीटा। अच्छा tan थीटा का जब तक हम लोग बात करते हैं tan का, तो tan कहां से कहां होता है, tan इनवर्स यहां से यहां, ठीक है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, है ना। और ये जीरो से पाई में, ये जो इस घर में है इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव, समझ में आ रहा है मेरा बात, तो इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, तो अगर हम लोग थीटा को जीरो से पाई बाय टू ले रहे हैं, तो थीटा जीरो से पाई बाय टू ले रहे हैं तो वन बाय एक्स क्या है तुम्हारा, सही बात है कि वन बाय एक्स भी क्या है तुम्हारा, जब एक्स पॉजिटिव तो वन बाय एक्स भी पॉजिटिव। तो हम लोग यहां से क्या कर पाएंगे कि टेन इनवर्स वन बाय एक्स इक्व टू थीटा ऐसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है तुम्हारा थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई बाय टू बिलोंग कर रहा है, तो जीरो से पाई बाय टू टेन इनवर्स वन बाय एक्स के रेंज में है मेरा, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान दो तो समझो बात, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है तुम्हारा थीटा क्या था, थीटा क्या था तुम्हारा कॉट इनवर्स वन बाय एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स, तो दिस इक्व टू कॉट इनवर्स एक्स इक्व टू tan इनवर्स 1 बाय एक्स, ये कब आ रहा है, क्योंकि थीटा 0 से पाई बाय 2 में है, इसका मतलब x क्या है हमेशा पॉजिटिव है, कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो जाए। ये तो पहला बात हो गया कि जब x 0 से बड़ा होता है तो cot इनवर्स x क्या हो जाता है, tan इनवर्स 1 बाय एक्स हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। अच्छा दूसरा हिस्सा कहने का मतलब जब x क्या हो 0 से छोटा हो, x क्या हो 0 से छोटा हो।
अच्छा चलो देखो, दूसरा इसका क्या हो रहा है, एक्स जब क्या है लेस देन जीरो, अच्छा जैसे ही जीरो से छोटा हो जाएगा तो थीटा बिलोंग्स टू, इस बार थीटा कहाँ होगा, क्योंकि क्वाट में एक्स किसको इनपुट जा रहा है, क्वाट को, तो क्वाट में इस हिस्से में, इस हिस्से में कहने का मतलब पाई बाय टू से पाए, तो पाई बाय टू से लेकर पाए ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा, ठीक है। अच्छा तो थीटा पाई बाय टू से पाए है, और देखो तुम ध्यान से कि इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज थीटा पाई बाय टू लेस देन थीटा लेस देन पाए, है ना। अच्छा हमको लाना कहां से कहां है, क्योंकि पाई बाय टू से पाए में तो टेन आता ही नहीं है, तो टेन को हमको क्या लाना है, टेन को हमको नीचे लाना है, तो क्योंकि निगेटिव है तो इधर लाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस पाई कर देते हैं, तो पाई बाय टू माइनस पाई लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई, तो अभी तुम देखो क्या आ रहा है माइनस पाई बाय टू लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन जीरो, तो ये थीटा माइनस पाई जो है वो माइनस पाई बाय टू से जीरो में आया, तो टेन में ये चलेगा, क्यों, क्योंकि हमको इस रेंज यहां से उठा के यहां लाना था, तो हम यहां लेके चले आए, क्योंकि टेन के रेंज में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा देखो समझो बात, यहां से देखो, तो अभी हमारे पास कितना है तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो क्या आ रहा है तुम्हारा एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, तो वन बाय एक्स इक्वल टू कितना है तुम्हारा टेन थीटा, वन बाय एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा टेन थीटा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा तो अब हम लोग एक्चुअली में क्या लाना है, तो वन बाय एक्स इक्वल टू टेन थीटा लाना है, तो एक्चुअली ये थीटा तो मेरा उस रेंज में नहीं आ रहा था, मेरा रेंज में क्या आ रहा है, उसके रेंज में क्या हो रहा है थीटा माइनस पाई आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग थीटा की जगह क्या लिख देंगे, थीटा माइनस पाई, तो टेन थीटा माइनस पाई। अब थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये टेन थीटा को ही हमने क्या लिखा है टेन थीटा माइनस पाई लिखा, ये दोनों सेम है, कैसे सेम है वो समझ लो, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते थे कि माइनस टेन पाई माइनस थीटा, ऐसा, क्योंकि टेन पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो गया, और फिर इसका जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस आ गया तुम्हारा, और ये थीटा माइनस पाई आ गया, तो एक्चुअली ये टेन थीटा था, टेन थीटा को हमने क्या किया माइनस टेन पाई माइनस थीटा लिखा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों सेम लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, बस इसको हम इसलिए लिखें क्यों कि टेन का जो इनपुट है वो क्या आ जाए रेंज में आ जाए टेन इनवर्स का, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो चलो अब देखो आगे, तो यहां से क्या आ रहा है, ये टेन इनवर्स वन बाय एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है थीटा माइनस पाई हो रहा है, ठीक है। तो थीटा यहां रहने दो, तो थीटा इक्वल टू ये पाई उठा के इधर लाओ, तो पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स हो रहा है, और थीटा को हमने क्या माना था, थीटा को हमने माना था कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स, और एक्स जो है हमारा, एक्स जो है हमारा इस बार क्या है जीरो से छोटा है, तो एक्स क्या है तुम्हारा लेस देन जीरो, ठीक है। तो देखो प्रूफ आता नहीं है, प्रूफ तो बस समझने के लिए था, मेनली जो हमको याद करना है वो क्या याद करना है कि कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो टेन इनवर्स वन बाय एक्स होता है जब एक्स जीरो से बड़ा हो, और पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स होता है जब एक्स क्या हो जीरो से छोटा हो, समझ में आया बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया हमारा, देखो थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं, प्रॉपर्टी थ्री, देखो प्रॉपर्टी थ्री में पहला क्या होता है तुम्हारा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, ठीक है। एक्स का वैल्यू कहां से कहां है, माइनस वन से वन। अच्छा चलो देखो समझो, यहां पे प्रूफ करके दिखाते हैं इसको, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, और इसी चीज को क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू, क्योंकि इनवर्स की बात होती है
तो इनवर्स की बात जब भी करेंगे तो साइन के लिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस साइन को क्या लिख रहे हैं, माइनस थीटा। तो यहां से क्या आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। अच्छा सिर्फ थीटा ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा देखो क्या है हमारा, थीटा है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस साइन इनवर्स थीटा एक्स, ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ, यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक ना। अब देखो तुम दूसरा इसी तरह से सेम साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो जिसका जिसका भी क्वाड्रेंट देखो, जिसका जिसका भी डोमेन जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें है, जैसे साइन का था तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। अगर हम लोग दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू इसका भी क्या है फर्स्ट और फोर्थ में है, इसको भी हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू क्या है तुम्हारा, पूरा का पूरा रियल नंबर है। और इसी में थर्ड नंबर देख लो, और किसका होता है अपना इस दोनों में, कोसेक का होता है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन से वन, ये हो गया तुम्हारा जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर में चलते हैं, और हम लोग अब बात करेंगे जो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो देखो ध्यान से, जो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं कॉस का, नंबर फोर, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, ये होता है, ठीक है। तो चलो देखो प्रूफ करके दिखाते हैं इसको, प्रूफ मान लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहां से माइनस एक्स इक्वल टू, क्योंकि कॉस थीटा है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। अच्छा इनवर्स में कॉस कहाँ कहाँ जाता है, माइनस जो इनवर्स में होता है कॉस का वो इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में प्लस, इस क्वाड्रेंट में माइनस, तो इस क्वाड्रेंट में अपने को जाना है क्योंकि माइनस कॉस थीटा है, इसको हम लोग लिख देते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो हमने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है। अभी देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस को उठा के इधर ले आओ, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, अभी थीटा को उठा के यहाँ ले आओ, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा थीटा हम लोगों ने किसको मान रखा है, थीटा मान रखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और एक्स तो तुम्हारा जो डोमेन है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, माइनस वन से वन है ही, समझ में आया बात। तो जितना भी इस तरह से तुम देखो सेम इसी तरह से प्रूफ भी कर सकते हो, और याद रखने में भी आसानी है, तो तुमको बस ये पता होना चाहिए कि स्क्वाड्रेंट स्क्वाड्रेंट में कौन होता है, एक तो कॉस मिला, दूसरा कॉट होता है, तीसरा सेक होता है, ठीक है। तो इसलिए पांच नंबर लिख रहे हैं हम लोग, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सिक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, समझ में आया बात। तो इसको याद भी रखना, और याद हो भी जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। चलते अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ पर, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ देखो, प्रॉपर्टी नंबर फोर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी नंबर फोर देखो क्या है, इसमें पहला जो आता है हमारा वो आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू
पाई बाय टू, और एक्स बिलोंग्स टू, दोनों का डोमेन देखो सेम होता है, माइनस वन से वन, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय टू। चलो देखो इसका प्रूफ देखो, मान लो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा थीटा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा, और क्योंकि कॉस इन्वॉल्व है मेरा तो साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो साइन को लिखते हैं कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा, और इसको उठा के थीटा को उठा के इधर ले आओ तो थीटा माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, और थीटा देखो हमारे पास कितना है साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है तुम्हारा पाई बाय टू हो जाता है, समझ में आ गया बात। अच्छा सेम वे इसी तरह हम लोग और दो भी प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं बस लिख दे रहे हैं, तुम लोग को याद रखना है टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय टू, और एक्स बिलोंग्स टू टेन और क्वाट का जो डोमेन होता है रियल नंबर, और थर्ड, और इसका जो थर्ड नंबर है वो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन से वन, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर फोर था, अगर तुमको प्रूफ करने का मन करे तो इस दोनों को सेम इसके ऐसा प्रूफ कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर फाइव पर, देखो प्रॉपर्टी नंबर फाइव, प्रॉपर्टी नंबर फाइव जो है वो कहलाता है कन्वर्जन प्रॉपर्टी, कन्वर्जन प्रॉपर्टी। देखो इस प्रॉपर्टी में पहला पहला प्रॉपर्टी देखो, जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो बोलता है इसी को साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस में क्या लिख सकते हैं, टेन में क्या लिख सकते हैं, क्वाट में क्या लिख सकते हैं, सेक में क्या लिख सकते हैं, कॉसिक में क्या लिख सकते हैं। वैसे इस प्रॉपर्टी को याद करने की जरूरत नहीं है, बस बनाने के लिए सीख जाओ, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ेगा हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है हमारे पास, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया एक्स आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा ये 90, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच, तो पी कहने का मतलब एक्स और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एच कहने का मतलब वन, और ये जो बेस है तुम्हारा ये पी है ये एच है, बेस जो है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब बहुत आसान बात है कि अगर हमको ये साइन थीटा है, अगर हम लोग कॉस थीटा का बात करें तो cos थीटा इक्वल टू डी बाय एच क्या आ जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है cos इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा किसको माना था हम लोग साइन इनवर्स एक्स को, और ये इतना आ गया थीटा इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स वन माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स वन माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स में अगर एक्स है तो अगर इसी को cos में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 10 में चेंज करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा यहीं से पता चलता है तुरंत 10 इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, तो ये रहा पी ये रहा बी, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब 10 के बाद आ जाओ क्वाट इनवर्स में क्या हो जाएगा बी बाई पी, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। अच्छा क्वाट के बाद आ जाओ एक दो तीन चार आए क्वाट के बाद आ जाओ सेक पर, सेक इनवर्स सेक क्या होता है एच बाई बी, एच बाई बी वन बाय रूट अंडर वन माइनस
एक्स स्क्वायर, और कॉस एक पे आ जाओ, कॉस एक इनवर्स क्या होता है एच बाई पी, तो एच क्या है वन और पी क्या है एक्स, समझ में आया बात। तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, साइन इनवर्स एक्स से, और कहाँ तक आ गया, सारा साइन में एक्स था और ये सारा चेंज हो गया, इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी, बात समझ में आया। अच्छा इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस का एक्स से शुरू कर सकते हैं और कॉस का एक्स से टेन कॉट सेक सारा निकाल सकते हैं, इसी तरह से समझ में आ रहा है बात। उसी तरह हम लोग क्या साइन का एक्स हो गया, टेन का एक्स हो गया, कॉट का एक्स या कॉस का एक्स से शुरू कर सकते हैं, कॉस का एक्स से शुरू करो बाद बाकी सारा बना लो, टेन का एक्स से शुरू करो बाद बाकी सारा बना लो, समझ में आया बात। ये याद नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो तुम लोगों का होमवर्क है इसी के साथ साथ, क्या क्या बना लोगे भाई, दूसरा ले लो, स्टार्ट करना है कॉस इनवर्स एक्स से और सारा बनाना है, कॉस इनवर्स एक्स से स्टार्ट करेंगे, इसी तरह ट्रेंगल बनाओ, टेन में कॉट में से एक कॉस एक सारा बनना है, और तीसरा जो है इसमें वो क्या है तुम्हारा, टेन इनवर्स एक्स से शुरू करेंगे और सारा बना ले, समझ में आ गया बात, ठीक है। इसको याद नहीं करना है, बस बना लेना है एक बार, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने आज पांच प्रॉपर्टी तक, फाइव प्रॉपर्टी तक पढ़ा, फाइव नंबर प्रॉपर्टी तक, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पर। चलो देखो इस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना अपने को। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स रूट थ्री। अच्छा हम लोगों ने भी तुरंत पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर टेन इनवर्स एक्स है तो वो हो जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स वन बाय एक्स, अगर एक्स जीरो से क्या है बड़ा है, एक्स क्या है तुम्हारा जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो बहुत आसान सा बात है ये, तो अब समझो इसको ले लो टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स क्या है जीरो से बड़ा है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाय टू, और ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स वन बाय एक्स, अगर एक्स एक्स तो जीरो से बड़ा ही है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉट इनवर्स वन बाय टू प्लस यहाँ क्या आ गया तुम्हारा टेन इनवर्स रूट थ्री, समझ में आ गया। अच्छा ये दोनों देख के देखो क्या याद आ रहा है, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाय टू होता है, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो यहां से यहां तक की वैल्यू। अब थोड़ा देखो टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक है, तो टेन इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है अपने को पता है, अपने को यह पता करना है कि 10 में रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, तो रूट थ्री 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 कहने का मतलब पाई बाय थ्री, तो ये कितना आ गया तुम्हारा पाई बाय थ्री, एलसीएम ले लो 6, 3 पाई प्लस 2 पाई, तो हमारा आंसर आ रहा है 5 पाई बाय 6, समझ में आया बात, ठीक है। अब इसको नोट कर लो तुम लोग, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व, अपने को सॉल्व करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू पाई बाय टू, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो ध्यान से, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जो अननोन एंगल है उसका वैल्यू निकालना, मतलब अननोन वैल्यू, तो इसमें अननोन क्या है, एक्स अननोन है, तो
तो सॉल्व करने का मतलब हो गया x का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x का वैल्यू निकालते हैं, क्या है तुम्हारे पास, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ऐसा है, इक्वल टू पाई बाई टू भी है। अच्छा अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्व टू पाई बाई टू होता है। तो किसी कभी भी साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल का वैल्यू पाई बाई टू कब होगा, जब दोनों के एंगल इक्वल होंगे, मतलब दोनों साइन इनवर्स का इनपुट और कॉस इनवर्स का इनपुट अगर दोनों बराबर है तब उसका वैल्यू पाई बाय टू हो जाएगा। और यहां बोल रहा है कि इसका वैल्यू पाई बाय टू है, तो इसका मतलब ये क्या हमको सजेस्ट कर रहा है कि ये और ये दोनों से इक्वल है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। समझ में आ रहा है बात मेरा, चलो ठीक है देखो अब आगे बढ़ो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स उठा के इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस टू किसके बराबर हो गया, जीरो हो गया हमारा। तो अभी थोड़ा देखो ध्यान से, आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्व टू जीरो। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हो रहा था, नीचे करने की जरूरत नहीं थी हमको, यहीं से हो रहा था। देखो क्या हो रहा है, x कॉमन निकाल लो तो x माइनस टू आ रहा है, माइनस वन कॉमन निकाल लो तो x माइनस टू आ रहा है और ये जीरो हो गया, और ये आया x माइनस टू और x माइनस वन इक्व टू जीरो। तो यहां से x की दो वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू 1 आ रही है और एक वैल्यू 2 आ रही है। बट अब इसमें चेक करना है कि साइन को इनपुट 1 दे सकते हैं, माइनस 1 से 1, 2 तो कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि 2 जो है साइन के साइन इनवर्स x के डोमेन में 2 नहीं है, तो इसीलिए 2 तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, x इक्व टू 1 हो जा रहा है, ठीक है। 2 क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 2 जो है साइन इनवर्स x के डोमेन में नहीं होता है। समझ में आ गया बात, इसीलिए x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है, इफ साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्वल्स टू पाई बाई टू एंड सेक इनवर्स ए प्लस कॉसेक इनवर्स बी इक्वल्स टू पाई बाई टू, फाइंड ए प्लस बी। तो अपने को क्या निकालना है, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो देखो थोड़ा ध्यान से सॉल्यूशन, देखो हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्व टू पाई बाई टू, और जो दिया हुआ है सेक इनवर्स ए प्लस कॉसेक इनवर्स बी इक्व टू क्या है तुम्हारा, पाई बाई टू। अच्छा अभी तो हम लोगों ने सीखा था, देखा था, क्या देखा था कि भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्व टू पाई बाई टू होता है, और कब, जब एक्स माइनस वन से वन होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्व टू पाई बाई टू होता है, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन से वन। कहने का मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ऐसा होता है। तो जैसे ही बोला पाई बाई टू होता है, तो एक बात तो यहां से समझ में आ गया कि ए इक्व टू बी होगा, है ना। अच्छा और ए इक्व टू बी होगा तो ए बी का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ए बी का वैल्यू कहां से कहां, माइनस वन से वन हो सकता है, और ये बिलोंग्स टू कहां से कहां होगा, माइनस वन से वन। तो इसका मतलब ए और बी का वैल्यू माइनस वन से वन कोई भी ले सकते हैं। और यहां क्या हो रहा है, यहां भी ये दोनों क्योंकि पाई बाय टू है तो ए इक्व टू बी होगा, और ये बिलोंग्स टू कहां से कहां होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये बोल रहा है माइनस वन से वन होगा, और ये बोल रहा है माइनस वन से वन को छोड़कर, माइनस वन और वन के बीच का कोई भी नंबर छोड़ दो तभी। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है,
हर हाल में ए बराबर बी बराबर माइनस वन, देखो इसमें भी है माइनस वन, इसमें भी है, बट माइनस वन के आगे इसमें है, माइनस वन के आगे इसमें नहीं है, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, वन के पीछे इसमें भी इसमें है, इसमें नहीं है, अगर वन के आगे इसमें है तो वन के आगे इसमें नहीं है, माइनस वन के पीछे इसमें है तो माइनस वन के पीछे इसमें नहीं है। इसका मतलब हर हाल में ए बी का वैल्यू या तो माइनस वन ले लो, क्योंकि माइनस वन इसमें भी है और माइनस वन इसमें भी है, या तो क्या ले लो, वन ले लो। तो एक बार ए और बी का वैल्यू माइनस वन ले लो तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, या तो ए और बी का वैल्यू एक बार प्लस वन ले लो तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब या तो ए बराबर बी बराबर माइनस वन हो जाएगा और ए बराबर बी बराबर वन हो जाएगा। अगर ए बराबर बी बराबर माइनस वन आया तो ए प्लस बी बराबर माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस टू आ जाएगा, और अगर ए बराबर बी बराबर वन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू वन प्लस वन टू आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है ए प्लस बी इक्वल टू दो आंसर आ रहा है, माइनस टू और टू। समझ में आया बात? तो हमारा इसका वैल्यू क्या आया, माइनस टू और टू। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस क्वार्ट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू फाइव पाई स्क्वायर बाय एट, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो समझो इसको। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर क्वार्ट इनवर्स एक्स का स्क्वायर फाइव पाई स्क्वायर बाय एट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वार्ट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, फाइव बाई टू। तो हम क्यों ना पूरे को टेन में ही चेंज कर ले, तो क्वार्ट इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वार्ट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं फाइव बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स को लिख रहे हैं पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर फाइव पाई स्क्वायर बाय एट। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आसान हो इस वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ, पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, मान लिया इसको अल्फा। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर और पाई बाई टू माइनस अल्फा का होल स्क्वायर फाइव पाई स्क्वायर बाय एट। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अल्फा स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव पाई स्क्वायर बाय एट, ऐसा आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से, अभी यहां से पाई अल्फा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर हो गया, ये दोनों यहां से कैंसिल हो गया, तो माइनस पाई अल्फा प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर और माइनस फाइव पाई स्क्वायर बाय एट इक्व टू जीरो, ऐसा। तो थोड़ा देखो ये क्या आ रहा है, टू अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा प्लस ये एट है, इसको भी एट बना देते हैं, तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू पाई स्क्वायर बाय एट माइनस फाइव पाई स्क्वायर बाय एट इक्व टू जीरो, ऐसा आ गया। तो अभी यहां से क्या आ रहा है, टू अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा प्लस टू माइनस फाइव, तो माइनस आ जाएगा, माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाय एट इक्व टू जीरो। अब एट से, क्योंकि एट है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, एट एलसीएम ले लो या एट से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एट टू जा सिक्सटीन अल्फा स्क्वायर माइनस एट पाई अल्फा माइनस थ्री पाई स्क्वायर इक्व टू जीरो, ऐसा आ गया। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से,
फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 16 3 जा 48 है ना, तो 16 3 जा 48 और 8 में 12 4 जा 48, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 पाई अल्फा प्लस 4 पाई अल्फा माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ जा रहा है, यहां से 4 अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा 4 अल्फा माइनस 3 पाई, 4 अल्फा माइनस 3 पाई, और यहां से पाई कॉमन ले लो तो 4 अल्फा माइनस 3 पाई इक्वल टू 0 ऐसा आ गया, ठीक है। तो चलो देखो ऐसा थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलो समझो बात। तो दिस इंप्लाइज कितना आ रहा है, 4 अल्फा माइनस 3 पाई इंटू 4 अल्फा प्लस पाई इक्वल टू 0, अच्छा तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आया, 3 पाई बाय 4, और अल्फा का वैल्यू कितना आया, माइनस पाई बाय 4, ठीक है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे किसका किसका, पूरे इक्वेशन में जो था मेरा टेन इनवर्स x था और cot इनवर्स x था, ठीक है, ये था। तो अपने को पता है कि हम लोगों ने, अच्छा अल्फा अल्फा इतना आया, अल्फा अच्छा अल्फा हमने किसको मान के रखा था, टेन इनवर्स x को, तो टेन इनवर्स x इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4, ठीक है। बट हम लोगों को पता है कि tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है, tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, और ये जो है 3 पाई बाय 4 वो पाई बाय 2 से बड़ा नंबर है, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 और 3 पाई बाय 2 का मतलब हो गया 135, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर है, ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ये 4 है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस पाई बाय 4, और 10 माइनस पाई बाय 4 कितना होता है, माइनस 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया, समझ में आ गया बात। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सॉल्व 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो सॉल्व करने का मतलब फिर से अपने को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 ऐसा है। तो दिस इंप्लाइज 5 को हम ना दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक लिखते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x, दो हिस्से में तोड़ दिया 5 को, 3 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x 7 पाई बाय 4। तो देखो ध्यान से यहां पे 2 tan इनवर्स x प्लस 3 कॉमन ले लो तो कितना आ रहा है तुम्हारा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 7 पाई बाय 4, ठीक है। अब थोड़ा देखो, ये तो ठीक है तुम्हारा 2 tan इनवर्स x प्लस 3, और ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 7 पाई बाय 4, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 माइनस, देखो यहाँ पे 3 बाय 2 पाई है ना, तो इसको 4 बनाने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये पाई हो गया, तो कितना आ गया, 6 पाई बाय 4। तो देखो ध्यान से हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, हम लोगों को यहां पर मिल गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 माइनस 6 पाई बाय 4, तो क्या बच रहा है, पाई बाय
4 आ गया, और यहां से कितना आ रहा है, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 8 आ रहा है, और x इक्वल टू कितना आ रहा है, tan पाई बाय 8। अच्छा पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और पाई बाय 8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, है ना। तो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था इसका वैल्यू कितना होता है, tan पाई बाय 8 का वैल्यू ये होता है रूट टू माइनस वन, ये कितना होता है रूट टू माइनस वन, ठीक है। 11th क्लास में हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला भी था और पढ़ा भी था कि tan पाई बाय 8 का वैल्यू होता है रूट टू माइनस वन, तो हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व 4 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ये है, ठीक है। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो 3 पाई बाय 4 है, तो पिछले की तरह ही क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक तो लिख देते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4। समझ में आया क्यों हम लोगों ने इसको साइन इनवर्स एक्स से अलग किया, इसलिए किए कि हम इस दोनों को क्या कर पाए, पाई बाय 2 लिख पाए, ठीक है। तो चलो यहां से क्या आ गया, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस इस पूरे को हम लोग क्या लिख पाएंगे, पाई बाय 2 इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 उधर करेंगे, ये 3 पाई बाय 4 है, पाई बाय 2 उधर करेंगे तो इजी हो बनाने में, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 पाई बाय 4 यहां आ गया, 2 पाई बाय 4। तो यहां से देखो ध्यान से, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई बाय 4, तो ये आ गया तुम्हारा पाई बाय 4, ठीक है। और आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहां से आ रहा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 12, और यहां से आ गया एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 12। अच्छा पाई बाय 12 का मतलब कितना होता है, 18 डिग्री ना, 180 बाय 12 सॉरी 15 डिग्री, तो पाई बाय 12 का मतलब आ गया 15 डिग्री, और एक्स इक्वल टू साइन 15 का वैल्यू हम लोग 11th में निकाले थे कितना होता है, रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, ये हमारा 15 डिग्री का वैल्यू होता है। समझ में आया बात इसका, नोट कर लो, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, अपने को प्रूफ करना है साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन LHS ले रहे हम लोग, LHS इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स x, ठीक है। एक्चुअली यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको क्लोज करते करते यहां तक लाना है, तो सबसे पहले कन्वर्जन अभी पढ़ाए थे, कन्वर्जन प्रॉपर्टी, तो कन्वर्ट करना है इसको, तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो अगर इस चीज को हम लोगों ने थीटा माना तो अपने को क्या निकालना है, cos थीटा, तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ पर, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू tan थीटा, ये थीटा है
तो टेन इक्वल टू पी वाई बी होता है एक्स और वन, ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल टू क्या बचा, साइन कॉट इनवर्स, और ये कॉस थीटा है, तो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट, और ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा ना, ये कॉस थीटा का वैल्यू वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, चलो फिर से हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट इस बार इसको कॉट इनवर्स वन बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अल्फा मान लेते हैं तो ये वाला चीज पूरा का पूरा क्या बन गया, अल्फा आ गया, तब तो हमको साइन अल्फा निकालना है। तो पट से हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रेंगल बना लेते हैं, ये वाला एंगल अल्फा है, तो यहां से देखो क्या हो रहा है, कॉट अल्फा इक्वल टू वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी, ये बी बाई पी, तो ये वन, और ये कितना आ रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वन वन कितना आ गया टू, ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा तो अब अपने को क्या निकालना है, साइन अल्फा, तो दिस इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, और साइन अल्फा क्या होता है पी बाय एच, तो पी क्या है तुम्हारा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखो या टू प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, पूरे को एक रूट में डाल के ऊपर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, हमारा यही आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज जहां प्रॉपर्टी पढ़े थे इस प्रॉपर्टी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।